आज हमारे बीच में हमारे मशहूर कवि और पुलिस की शान हमारे कवि श्री थंडर उपाध्याय जी आज हमारे औरंगाबाद में पधारे हुए हैं। ये मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है, बड़ी खुशी की बात है। और हमारे चौकी प्रभारी जी नीतीश भारद्वाज जी भी यहाँ पे हैं, यहाँ पे मौजूद। तो हम ऐसे शुभ अवसर पर चाहते हैं अपने कवि जो हमारे इंस्पेक्टर साहब हैं थंडर उपाध्याय जी, मैं चाहता हूँ कुछ ऐसी एक हम लोग का भी कविता या कोई ऐसा सुनाए जिससे हम लोग आनंदित हों कि धनराज उपाध्याय जी से हम अनुरोध करेंगे। पहले तो अपना थोड़ा सा अपना आप कुछ परिचय देते हुए इस बात को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और परिचय की बात जहाँ तक है, बस आपका छोटा भाई हूँ, इससे ज़्यादा और परिचय में क्या दूँ। और मैं कहना चाहता हूँ कि न तो ये हिंदवादी है, न तो ये हिंदवादी है, न ही ये मुसलमानी है, मगर ईमान सच कहता हूँ मेरा खानदानी है। बराबर है मेरी नजरों में उनका भाई, पहले पढ़ ले फिर इसके इतिहास सुनने के बाद कि न तो ये हिंदवादी है, न ही ये मुसलमानी है, मगर ईमान सच कहता हूँ मेरा खानदानी है। बराबर है मेरी नजरों में अशफाक और विश्विल, हर एक कतरा लहू का मेरे बस हिंदुस्तानी है। बहुत बहुत अच्छा, आपने अभी उपाध्याय जी ने बहुत अच्छी बात कही। यहाँ सभी एक है, ना हिंदू है ना कोई मुस्लिम है, सभी हिंदुस्तानी है। बहुत अच्छी कवि है और बहुत ही राष्ट्रीय एकता को मजबूत करती है हमारे उपाध्याय। जिन्हें मोहब्बत होती है, जिन्हें मोहब्बत होती है वो बिन बुलाए आते हैं, और नवाज साहब की महफिल में नहीं फूल नहीं दिल बिछाए। कौन कहता है कि अपनों से बुराई होगी, ये खबर किसी दुश्मन की बुराई होगी। अरे अपने तो अपने थे, अरे गैरों से कब बनाई होगी, और किस मुसब्बी ने तेरी तस्वीर बनाई होगी। वाह वाह, ये हमारे राशिद खान साहब है, इनको भी शायरी का शौक है। हमारे औरंगाबाद चौकी पे पोस्टिंग है इनकी यहाँ पे, तो ये बहुत अच्छा है। अच्छा हमारे दरोगा जी का, हमारे राशिद भाई ने बहुत अच्छा यहाँ पे एक हम लोग यहाँ पे बैठे, बहुत अच्छी एक शायरी और कविता सुनने को मिली। हम फिर मिलेंगे अगले किसी वीडियो में। और आप लोग, हम चाहते हैं हमारे इंस्पेक्टर धनराज उपाध्याय जी का इसका मैं नंबर आपको पोस्ट करूँगा, आप लोग इनको लाइक करें, इनको यूट्यूब पे भी आप लोग इनको सब्सक्राइब करें। और आप राष्ट्रीय एकता से जुड़ी कविताएँ और पूरा एक पूरी एक आपसी नेशनल इंटीग्रिटी को मजबूत करें और इनकी कविताओं का आनंद लेते रहें। मैं कल्पे सर ग्राम पोस्ट औरंगाबाद से आपसे मैं इस शेयर कर रहा था, जो अभी आपने देखा एक छोटा सा हम लोगों का एक जो कवि सम्मेलन और मुशायरा टाइप का हुआ, इसका हमने आनंद लिया। जय हिंद, जय भारत।